अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में यानी हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं है, पर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। देखें, जो हमने पिछले लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था वो बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन था, वाइब्रेटरी मोशन था। तो आज हम इस ऑसिलेटरी मोशन के टाइप्स भी पढ़ेंगे। एक ऑसिलेशन को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन। व्हाट इज फ्री ऑसिलेशन? तो हम कहते हैं ऐसी ऑसिलेशंस जिसमें ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी हम कहते हैं the oscillatory motion in which amplitude of motion remains constant without any एक्सटर्नल फोर्स। ऑसिलेटरी मोशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी अगर आप समझें ये सिंपल पेंडुलम है, अगर हमने एक बार इस सिंपल पेंडुलम को स्ट्रेच करके छोड़ दिया, अब ये मोशन कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ जो है ऑसिलेशन करता रहे, तो हम इस मोशन को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, इसमें टोटल जो एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी कंजर्व का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा था कि मीन पॉइंट पे सारी एनर्जी काइनेटिक होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे सारी एनर्जी पोटेंशियल होगी, इस तरीके से बीच में टोटल एनर्जी जो होगी वो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, पर हमेशा इनकी टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। और ये तभी हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस ना हो। एक्सटर्नल डिस्टरबेंस क्या, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो नेचुरली जो पेंडुलम होते हैं जब हम उनमें ऑसिलेशंस करवाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से। और इस मोशन को कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन? तो हम कहते हैं द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एम्पलीट्यूड इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एंड फाइनली बिकम जीरो। अब देखें, ये ग्राफ देख लें, एक ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा साइनोसाइडल वेव से दिखाया जाता है, और एक मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मोशन होगा ये कहलाएगा फ्री ऑसिलेशन, और ये जो मोशन है ये कहलाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर आप इसको देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होते होते जीरो हो रहा है। सो हम कहते हैं द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज डिक्रीजिंग एंड बिकम्स जीरो, तो इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। कभी कभी हम आर्टिफिशियली डैम्पिंग भी करवाते हैं, कभी कभी नेचुरल भी होता है। जैसे ये आम पेंडुलम आपने देखा है जो डेली लाइफ में हमारा होता है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। इसमें अगर हम एक बार पेंडुलम को स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और कुछ देर के बाद एम्पलीट्यूड जो है ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल होता है जिसको कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। देखें, कभी कभी ये होता है कि हम इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे करते हैं, हमें पता है यहाँ पे कोई बंदा होता है
और कंटिन्यूअसली इस पेंडुलम पे फोर्स लगाता रहता है। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं वो पेंडुलम पे बैठते हैं और फिर कोई बंदा कंटिन्यूअसली उस पेंडुलम को पुश करवाता है, यानी कंटिन्यूअसली उस पेंडुलम पे फोर्स लगाता है, तो इसको कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? द ऑसिलेटरी मोशन, द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज मेंटेन्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज मेंटेन्ड बाय एग्जर्टिंग एन एक्सटर्नल फोर्स। The oscillatory motion in which amplitude of motion is maintained by exerting an external force, इसको हम कहते हैं forced oscillation। यानी इसमें अगर हम इस pendulum पे continuously इसको push करते रहेंगे जैसे हम आम life में करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका motion amplitude जो है वो constant होता है। इस तरीके से आज हम एक और important बात discuss करेंगे, इसको कहते हैं resonance। What is resonance? रेजोनेंस क्या होता है? तो हम कहते हैं रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है। मतलब कहने का ये है, देखें ये समझें एक मेटालिक रॉड है और इस मेटालिक रॉड पे ये बहुत सारे पेंडुलम लगे हुए हैं, ठीक है, ये पेंडुलम लगे हुए हैं बहुत सारे, ये एक मेटलिक रॉड है या मेटल है कोई, ऐसे समझे मेटल है और ये पेंडुलम है। इस पेंडुलम का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। अगर आप इस पेंडुलम में वाइब्रेशन करवाएंगे, इस पेंडुलम की वाइब्रेशन से आप देखेंगे ये वाला पेंडुलम भी वाइब्रेशन करेगा, ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा, पर ये जो पेंडुलम होगा इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है लेंथ पे। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो इसका मतलब है दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जब हमने इसमें अपना वाइब्रेशन करवाई तो मेटलिक ट्यूब की मदद से, मेटलिक रॉड की मदद से ये वाइब्रेशन इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई, पर ये जो हैं ये भी वाइब्रेशन करेंगे पर इनका एम्पलीट्यूड इतना नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेशन करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इसके साथ मैच हो गई है, तो हम कहेंगे इसमें रेजोनेंस हुआ है। तो रेजोनेंस क्या है? द प्रोसेस इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, द प्रोसेस इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मैचेस with the natural frequency of system, ठीक है। तो अब हम इस resonance के आपको examples भी बताएंगे। हमारे पास दो resonance होती हैं, एक resonance को कहते हैं mechanical resonance, mechanical resonance, और दूसरी हमारे पास resonance होती है electrical resonance। इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैकेनिकल रेजोनेंस क्या है? ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये बेसिकली मैकेनिकल रेजोनेंस है। या जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई सिंगर सिंगिंग करता है तो उस रूम में जो गिलास पड़ा होता है वो गिलास टूट जाता है, तो ऐसे भी होता है कोई सिंगर अगर सिंगिंग करेगा तो गिलास टूट सकता है। वो इसलिए टूटेगा क्योंकि सिंगर जो सिंगिंग कर रहा है उसके पास उस साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो फ्रीक्वेंसी गिलास के मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी तो गिलास के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और इस वजह से गिलास टूट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेकिंग ऑफ गिलास, ब्रेकिंग ऑफ गिलास व्हेन अ सिंगर सिंग्स,
इस तरीके से मैकेनिकल रेजोनेंस का एक दूसरा भी एग्जांपल है, जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में सारी बिल्डिंग्स नहीं गिरती, कुछ मखसूस बिल्डिंग्स गिरती हैं, तो हम कहेंगे अर्थक्वेक भी एक किस्म की वेव है। अगर उस अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी तो बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, और उसको कहते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस। इस तरीके से ये एक सिस्टम हुआ था कि ये जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वाले लॉन्ग मार्च करते हैं, यानी मार्च करते हैं, तो ये जब मार्च करते हैं तो इनको मना किया गया है कि आप जो हैं ब्रिजेस पे मार्च ना करें, क्योंकि ब्रिजेस की एक फ्रीक्वेंसी होती है और इनके मार्च की भी एक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर इनके मार्च की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी तो ब्रिज टूट जाएगी, और ये हुआ था। ब्रिटिश के बहुत सारे लोग जो आर्मी के थे वो एक रिवर में गिर गए थे, वो इस वजह से क्योंकि वो ब्रिज पे मार्च कर रहे थे और उनके मार्च की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मिल गई, ब्रिज टूट गई, तो आप समझ सकते हैं आगे क्या हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से ये मैकेनिकल रेजोनेंस है। अब मैकेनिकल रेजोनेंस के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। आपके सिलेबस में नहीं है, पर अब होता क्या है कि हमारे पास रेडियो सेट होता है, रेडियो सेट में हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, हर चैनल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे अगर हमें FM 100 सुनना है तो हम क्या करते हैं, अपने रेडियो सेट से 100 को सेट करते हैं। तो जब हमने हमारी रेडियो स्टेशन की, हमने हमारे पास जो रेडियो सेट है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने 100 रखी है, और एक रेडियो स्टेशन भी होगी जो टेलीकास्ट करती होगी 100 पे, या जो ब्रॉडकास्टिंग करती होगी 100 पे, तो इन दोनों की जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो हमारे लाउड स्पीकर, मोबाइल का जो लाउड स्पीकर होगा उसमें वाइब्रेशंस आ जाएंगी, तो हम कहेंगे ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशंस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो ये आप नोट कर लें, इस तरीके से हमारा जो ऑसिलेशन का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट फेज डिस्कस करेंगे और वो है वेव पोर्शन। तो आप ये नोट करें तो फिर वेव मोशन शुरू करते हैं।